गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्ट्रक्चर्स की दुनिया में स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स जरूरी है, लिखने के लिए जरूरी है, बोलने के लिए जरूरी है, पढ़ने के लिए। तो आपको स्ट्रक्चर पर पकड़ बनानी है, साथ ही वर्ड्स और ग्रामेटिकल टिप्स भी देंगे। लिखने और बोलने के लिए जरूरी है, इसलिए हम सभी स्ट्रक्चर को निरंतर बढ़ाते रहें, फिर बीच बीच में बोलने वाली टोन देंगे, प्रोनंसिएशन देंगे, रेडीमेड सेंटेंसेस देंगे, तब डायलॉग्स बनवाएंगे और बोलवाएंगे। लिखना और बोलना दोनों के लिए जरूरी है, सबसे ज़्यादा सुनना तब प्रयास करके बोलना, और पढ़ना लिखना घर पर में जरूरी है, इसलिए स्ट्रक्चर्स को बढ़ाइए। आज हम लोग चाहिए, अवश्य जरूर चाहिए, ग्रुप में हैं। जब भी चाहिए के साथ कोई क्रिया हो या क्रिया के साथ चाहिए हो तो शुड लगा के V1 लगाओगे सभी सब्जेक्ट के साथ, और अवश्य जरूर चाहिए मैं मस्ट लगाओगे, MUST मस्ट, मुस्ट नहीं पढ़ लेना, मस्ट बने अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, लेकिन इनके साथ V1 का प्रयोग ही करोगे, V2 V3 का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, यू शुड स्माइल, तुम्हें जरूरी अवश्य मुस्कुराना चाहिए, यू मस्ट स्माइल। आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश, आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, यू मस्ट टीच इंग्लिश। इस तरह मेरे बंधु धीरे धीरे बढ़ जाना है, हद से गुजर जाना है। आइए हम देखते हैं, जब भी ऐसे वाक जिसमें क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो तो उसे सलाह का बोध व्यक्त होता है, इसलिए उसका अनुवाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के नियम से करते हैं। ये रहा नियम, ये शुड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। अब इसी में अवश्य चाहिए जरूर चाहिए रहे तो शुड के जगह मस्ट लगा देंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। अब शुड मस्ट के साथ अगला प्रयोग भी हम बताएंगे, जब क्रिया नहीं हो, कोई संज्ञा आ जाए या विशेषण, तो शुड के साथ बी लगा के नाउन या जो भी विशेषण हो, या फिर अवश्य वाला में मस्ट लगाकर बी लगाएंगे और बी लगा करके नाउन या विशेषण जो भी हो। जैसे तुम्हें धनी होना चाहिए, यू शुड बी रिच, तुम्हें तेज होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट, आपको जवान होना चाहिए, यू शुड बी यंग, तुम्हें सुंदर होना चाहिए, यू शुड बी क्यूट या ब्यूटिफुल। इस तरह से उसे मोटी जरूर होना चाहिए, सी मस्ट बी फैट। इस तरह से ध्यान देना है, चार नियम को आज हम लोग चाटेंगे। तो शुड प्लस V1 का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। अब चाहिए शब्द आ गया क्रिया के साथ, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू, असम में चाहिए है लास्ट में, तो यहां देंगे शुड हम लोग। अब इसके बाद V1 है जाना, ग कहां जाना चाहिए, टू स्कूल, ठीक ना, प्रतिदिन भी है इसलिए हमें डेली या एवरीडे डालना होगा, ठीक ना, स्कूल एवरीडे या डेली। राजू को विदेश में रहना चाहिए, राजू शुड लिव इन ABROAD अब्रोड, अब्रोड मीन्स विदेश, इसी को फॉरेन भी कहते हैं, यानी फॉरेन कंट्री, ठीक ना। लीना को तुमसे मिलना चाहिए, लीना शुड मीट यू, मीट मने मिलना, और तुमसे ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें देखना है कि तुम्हें यहां पहला नंबर पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिए हैं, दूसरे नंबर पर इधर से गिनती करना है दो नंबर, फिर जाना है हो गया तीन नंबर, अब तब कहाँ जाना चाहिए, विद्यालय, कहीं जाने के लिए टू लगा के प्रीपोजिशन वगैरह अपने मन से लगाना है, अब तब अंतिम में ये दिया, इस तरह से उल्टा हो जाता है, इधर के बाद उधर, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, है ना। अमित को प्रतिदिन सुबह में दौड़ना चाहिए, अमित अब चाहिए अंतिम में, यहाँ देंगे शुड, अब तीन नंबर में दौड़ना है रन, अब कहाँ है सुबह में, इन द मॉर्निंग। अंग्रेजी का बनावट हिंदी के बनावट के उल्टा होता है, अब प्रतिदिन डेली एवरीडे, ठीक है, आपको हमें पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच अस,
वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बंधु देखना है, इसको अफर्मेटिव में हम बनाए हैं, नॉट लगा देंगे निगेटिव हो जाएगा, शुड को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और उसी इंट्रोगेटिव में फिर आगे जाकर नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। जैसे तुम्हें लिखना चाहिए यू शुड राइट, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए यू शुड नॉट राइट। क्या तुम्हें लिखना चाहिए शुड यू राइट, क्या तुम्हें नहीं लिखना चाहिए शुड यू नॉट राइट। इस तरह से हम लोग को चारों फॉर्म बनाना है और बोलना है, अधिक से अधिक स्पीड लाने के लिए बोलना जरूरी है। आइए, आपको हमें पढ़ाना चाहिए गुरुजी, तो क्या होगा यू शुड टीच अस, मुझे रहता तो मी, हमें है। अब निगेटिव में यू शुड नॉट टीच अस, अब इंट्रोगेटिव में शुड पहले यू टीच अस, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव मान लो यहीं पर हम बना देते हैं, आगे होगा इसका कॉलम, तो शुड यू नॉट टीच अस। हम एक तरह सेट यहाँ स्टूडेंट भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन अभी फुल फॉर्म सीखिए लिखने के साथ बोलने के लिए, तब फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे डायलॉग्स वगैरह में, ठीक ना। चारों फॉर्म बन गई ना, अब आओ इंट्रोगेटिव निगेटिव आगे था मैंने पीछे बना दिया, यहीं पर बनाना था। अब बी में है ठीक वैसा ही वार, केवल जरूर या आवश्य आ गया, तो जब भी जरूर या आवश्य आ जाए आप टेंशन मत लेना भाई, जरूर या आवश्य चाहिए लगा हो तो शुड के जगह मस्ट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ जरूर या आवश्य चाहिए लगा हो, वैसे वाक्यों से जोर देकर सलाह देने का बोध होता है, अतः इसका अनुवाद इस नियम से करना है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट सबके साथ, कोई मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग सबके साथ होता है, इसलिए ध्यान देना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब तू पढ़ोगे ग्रामर में तो हल्का लगेगा, ये ट्रांसलेशन सीखे रहोगे तो। राधा, अब राधा या राधा को सब्जेक्ट हो गई, अवश्य चाहिए पहले लास्ट में तो मस्ट हो जाएगा, अब फिर तीन नंबर पर यहां आना कम, कहां यहां कम हियर पहले, तब डेली एवरीडे, अब सर पहले तो आप एवरीडे दिए थे, हियर कहां से आ गया, यहां है। जब स्थान और समय दोनों हो तो पहले पी से प्लेस तब टी से टाइम, ठीक ना, ये सब याद रखना है। तुम्हें किताब जरूर खरीदना चाहिए, अब जरूर चाहिए क्या मस्ट, खरीदना का बाय, आप बुक, ठीक ना। अमित को अपने कार्य को प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, अमित मस्ट डू, अपना काम है, अमित मेल है इसलिए हिज वर्क, फीमेल रहती तो सी हर वर्क, सी से हर, हर वर्क, ठीक ना, अपने कार्य को प्रतिदिन डेली। राघव को सुबह में हरी घास पर जरूर टहलना चाहिए, राघव, ठीक ना, मस्ट वॉक ऑन ग्रीन ग्रास। अब क्या है, प्रतिदिन है ना, ये सुबह में है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग, केवल प्रतिदिन है तो डेली एवरीडे, और यहां सुबह में है तो इन द मॉर्निंग, शाम में रहता है इन द इवनिंग। अब अफर्मेटिव निगेटिव बनाना है तो मस्ट के साथ हम लोग नोट लगा देंगे, उसी मस्ट को पहले कर लेंगे, अभी तुरंत बना देते हैं, ध्यान रहे। चले देख लीजिए पहले आप लोग, थोड़ा समय वाटर ले लूं तब तक। अब उसे चावल का व्यापार जरूर करना चाहिए, चावल का व्यापार, अब देखते हो मेरे बंधु चावल का व्यापार, तो उसे ही जरूर चाहिए मस्ट। व्यापार करना का फ्रेजल भाव होता है डील इन, डील इन माने का व्यापार करना, का धंधा करना, कौन सी का, राइस का, किताबों का व्यापार तो बुक्स,
किरासन ऑयल, पेट्रोल, चीज का नाम बदलते जाएगा, डील इन रखना। अब निगेटिव में कछु नहीं है, ही मस्ट नॉट हो जाएगा या शॉर्ट फॉर्म मस्ट नॉट। अब यहाँ पर हो गया मस्ट को पहले ही, तब डील इन राइस, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, मस्ट ही नॉट डील इन राइस, यानी आपको शॉर्ट फॉर्म में मस्ट नॉट का मस्ट नट, बस वो गायब होगा, वहाँ कॉमा लग के पस्टॉफी लग करके नट हो जाएगा। आप ध्यान दें, निगेटिव इंट्रोगेटिव में कछु ने जो पीछे सीखते आ रहे हैं वैसा ही फॉर्म है। स्पीड में बोलना लिखना है जो स्पोकन के प्रैक्टिकल क्लासेस में करवाएंगे या फिर हम लाइव क्लास भी देंगे, उसमें भी आपको डील्स बताएंगे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, चूँकि हिंदी यहाँ सीखे हुए रहेंगे, स्ट्रक्चर्स पकड़ में रहेगी, एक दो नमूना देंगे और उसके डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है। ठीक, आगे आइए। आज के लिए फिर शुड और मस्ट में क्रिया संज्ञा और विशेषण वाला, तो इसमें शुड भी लगेगा, अवश्य वाले मस्ट भी लगेगा, लेकिन जब भी इसके बाद संज्ञा या विशेषण हो तो बी लगा के, नाउन रहेगा तो नाउन, इन संज्ञा रहेगा तो संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण रहेगा तो विशेषण। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें किसी संज्ञा या विशेषण के बाद होना चाहिए या रहना चाहिए लगा हो, तो इसका वाक्य का अनुवाद हम लोग इस नियम से करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, देखते हो बी बढ़ गया, अतम नाउन या एडजेक्टिव। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए बच्चे, तो हम क्या देंगे, पहले तुम्हें का हम दे देंगे यू, चाहिए है तो शुड, होना या रहना के लिए यहां पर बी देंगे, शुड बी। अब कौन सी बच गया, ईमानदार, ऑनेस्ट। तो देखते हो ना, राधा, एक नंबर पर राधा देना है, दो नंबर पर ये चाहिए हो गया, तीन नंबर पर होना का इंग्लिश, अतम मेहनती, चार नंबर राधा या राधा को पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर आप क्या देंगे, राधा, चाहिए के लिए शुड, होना के लिए बी, उल्टा, इंग्लिश उल्टा होता है, मेहनती बच गया, लेबोरियस, लेबर करने वाला, लेबोरियस, उसे व्यस्त रहना चाहिए, ही या सी शुड बी, बीजी मीन्स व्यस्त, देख रहा हूं ना सर, भारत को धनी होना चाहिए, इंडिया शुड बी रिच, अमेरिका को गरीब होना चाहिए, अमेरिका शुड बी पुअर, यानी पापा है ना, किसे कंगाल कहते हैं। महेश को प्रसन्न रहना चाहिए या होना चाहिए, तो चलिए महेश होना चाहिए रहना चाहिए के लिए शुड बी, महेश शुड बी प्रसन्न, हैप्पी, हैप्पी खुश या प्रसन्न। अब हमें निगेटिव में करना है तो महेश शुड नॉट, यानी शुडंट बी हैप्पी। अब शुड महेश महेश एक मिनट महेश बी हैप्पी। अब यहीं पर शुड महेश नॉट बी हैप्पी, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म शुडंट होगा, सटा करके हम कंटेक्शंस बताए थे। फिर एक बेसिक रिटन और स्पोकन की क्लासेस में आपको एक दिन और हम सिखाएंगे, घबराइए नहीं। नेक्स्ट, अब इसी का अवश्य वाला में देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें किसी संज्ञा या विशेषण के अंत में जरूरी अवश्य होना चाहिए या रहना चाहिए लगा हो, तो मस्ट भी इसमें आएगा, अब प्लस नाउन या विशेषण जो हो लास्ट में देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं मस्ट सबके साथ बी लगा के नाउन या एडजेक्टिव, जैसे राधा को सुंदर अवश्य होना चाहिए भाई, तो राधा है ना, तो राधा हो गई सब्जेक्ट। अब इसमें अवश्य होना चाहिए मस्ट भी एक बार, अब कौन सी है, सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, क्यूट, राहुल अवश्य होना चाहिए के लिए मस्ट बी, तेज, इंटेलिजेंट,
गति उति में तेज फास्ट, दिमाग से तेज इंटेलिजेंट। इसी तरह हम कहेंगे यह कमरा हवादार होना चाहिए, दिस रूम शुड बी एयरी, जरूर होना चाहिए, मस्ट बी एयरी। आपको क्या होना चाहिए, एक लेखक होना चाहिए, यू शुड बी अ राइटर। तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड। इस तरह बनाओगे मेरे बच्चे, यहाँ पर जरूर होना चाहिए, मस्ट बी माई फ्रेंड। तो आप देख लो, तीसरा चौथा भी है, सैनिक को साहसी अवश्य होना चाहिए। यहाँ सैनिक है सिंगुलर में, द सोल्जर, सोल्जर्स कर देंगे तो द लगाने कोई खास जरूरी नहीं है। द सोल्जर अवश्य है तो मस्ट बी साहसी, बोल्ड, ये करेजियस। ऐसी का उल्टा हो जाता टीमिड, डरपोक। रानी को अवश्य लंबी होना चाहिए, रानी मस्ट बी, सीधे चाहिए रहता तो मस्ट के जगह शुड हो जाता, बी तो होता ही, शुड बी टाल, लंबी, टॉल ने बोला टाल। रामदेव को बहुत मेहनती जरूर आना चाहिए, तो रामदेव, राम देव, देव ऐसे भी लिखा था, दीव देव भी लिखाता है, नेमिंग वर्ड है रामदेव, है ना। क्या होना चाहिए, मेहनती जरूर होना चाहिए, मस्ट बी, और बहुत मेहनती, वेरी लेबोरियस। मेरे बच्चे निगेटिव में कछु नहीं करना है, रामदेव मस्ट नॉट बी वेरी लेबोरियस। यहां पर हो जाएगा मस्ट रामदेव बी, मस्त तो यहां हो गया, और वेरी लेबोरियस यहां पर इंट्रोगेटिव निगेटिव में मस्ट रामदेव नॉट बी वेरी लेबोरियस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में केवल एक नोट भागता है और कछु नहीं भागता है। आज के प्रसंग हम लोग के यहीं पर समाप्त होंगे। इस पर मैनी मैनी आप सेंटेंसेस बनाइए, क्लास नोट्स के जरिए या पीडीएफ के जरिए नोट्स को डाउनलोड करें, ले जाएं, ट्रांसलेशन की हमारी बुक भी आती है उसका सहारा लें, खूब सेंटेंस बनावें, और वाक का आदान प्रदान बच्चों के बीच में यानी अपने साथियों के बीच में होना चाहिए, जिससे प्रस्फुटन एक्सप्रेशन जल्दी जल्दी हो। तो आइए हम लोग लेते हैं ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूर्ण क्लास करते रहें, लेकिन यूट्यूब का साथ ना छोड़ें। यूट्यूब पर ए कुमार सर सर्च करके आप सब्सक्राइब कर लें, बराबर कुछ ना कुछ आपको मिलती रहेगी, आप देखते रहें। एक दो दिन नहीं मिलती है तो विचलित मत होइए, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।